A very good morning students, I am your teacher from Sanskriti Gurukulam school. Today I will teach you English. Now I am going to take exercise of articles. Students, आज हम करेंगे chapter articles की exercise. चलिए start करते हैं. Question number 1 is, take the correct answer. इसमें students हमको क्या करना है, जो answer correct होगा उस पर tick करना है. चलिए start करते हैं. First one is, A and N are dash articles. A और N कैसे articles होते हैं? Definite, indefinite या फिर definite and indefinite दोनों. कैसे होते हैं? Indefinite articles. तो हम क्या करेंगे? Indefinite articles पर tick कर देंगे. Okay? Next is, Avnish is dash clever boy. Which article will fill in the blank correctly? इसमें कौन सा article fill किया जाएगा? क्या कौन सा फिल किया जाएगा? ए. इसमें फिल करेंगे हम ए, एन या फिर द. क्या फिल करेंगे? ए फिल करेंगे. तो उस पर हम ए पर टिक कर देंगे, ए ऑप्शन पर. ओके, नेक्स्ट इज, माय फादर बॉट मी डैश अम्ब्रेला. मेरे फादर ने अम्ब्रेला लिया, वो. इसमें कौन सा आर्टिकल फिल करेंगे? विच आर्टिकल विल फिल इन द ब्लैंक करेक्टली? कौन सा आर्टिकल फिल करेंगे? अ, एन या फिर द. कौन सा करेंगे आर्टिकल फिल? अम्ब्रेला में आप देखिए इसमें साउंड क्या आ रहा है, वॉवल का साउंड आ रहा है. अम्ब्रेला, अम आ रहा है, आ, तो ये क्या है? वॉवल है. तो वॉवल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एन यूज़ करते हैं. तो हम ऑप्शन एन पर टिक कर देंगे. नाउ नेक्स्ट इज, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन. इसमें देखिए ब्लैंक्स में क्या फिल करना है? ए और एन फिल करना है. ओके, देखिए हम सभी को पता है कि हम एन कहाँ पर फिल करते हैं? वॉवल्स के लिए फिल करते हैं और ए कॉन्सोनेंट्स के लिए. ओके, चलिए देखते हैं. फर्स्ट वन इज डैश ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच देखिए ओ है, ओ साउंड आ रहा है इसका, मींस वॉवल का साउंड आ रहा है. इट मींस इसमें क्या आएगा? एन आएगा. ओके, नेक्स्ट इज डैश बूट. देखिए इसमें किसका साउंड आ रहा है? बू, बा का साउंड आ रहा है ना. इट मींस ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है. तो इट मींस इसमें हम क्या फिल करेंगे? ए फिल करेंगे. ओके, ऐसे ही देखिए नेक्स्ट में हम देखेंगे डैश नोज. नोज में देखिए ना साउंड आ रहा है. ना क्या है? नोज, ना, ना बोल रहे हैं ना हम. तो ये साउंड किसका है? कॉन्सोनेंट का साउंड है. तो इट मींस इसमें हम ए फिल करेंगे. नेक्स्ट इज डैश हाउस. हाउस में देखिए हा आ रहा है. हा क्या है? कॉन्सोनेंट है, एच. तो देखिए इसमें क्या फिल करेंगे? ए फिल करेंगे. ऐसे ही नेक्स्ट में देखेंगे. नेक्स्ट इज डैश ईयर. ईयर में देखिए ई साउंड आ रहा है. ई क्या है? हमारा वॉवल है. तो इट मींस इसमें हम एन फिल करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज डैश आइसबर्ग. आइसबर्ग में देखिए आइस आर साउंड आ रहा है. इट मींस इसमें हम आर साउंड आएगा. तो क्या फिल करेंगे? एन फिल करेंगे. नेक्स्ट इज डैश टैडपोल. देखिए टैडपोल में टी आ रहा है. इट मींस इसमें हम क्या फिल करेंगे? ए फिल करेंगे. नेक्स्ट इज डैश पैग. इसमें देखिए पी ई जी यूज़ किया गया. पी है इसमें. ओके, तो पी क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है. तो इसमें भी हम ए यूज़ करेंगे. क्या लिखेंगे? ए. ओके, नेक्स्ट आप ऐसे ही देख सकते हैं. आर्मी में भी ए का यूज़ हुआ है, तो इसमें हमने एन लिखा है. नेक्स्ट में भी ऑक्स है, ओ यूज़ हुआ है. तो हमारा वॉवल होता है, तो उसके लिए हमने एन यूज़ किया है. नेक्स्ट में भी आप देख सकते हैं फॉक्स है, एफ है. एफ हमारा कॉन्सोनेंट होता है. ओके, वैसे ही देखिए ऑफिसर, पियर, एल्बो, ड्रम, एरो. इसमें भी हम उसके अकॉर्डिंग ही ऐसे ही कॉन्सोनेंट और वॉवल का देखकर हम उसको ए और एन फिल करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए, एन और द. इसमें देखिए हमको ब्लैंक्स फिल करना है, ए, एन और द का यूज़ करना है. ओके, चलिए फर्स्ट वन देखते हैं. सुमित हैज़ डैश एल्डर ब्रदर्स. सुमेधा हैज डैश एल्डर ब्रदर. सुमेधा की, इसमें सुमेधा के एल्डर ब्रदर के बारे में बताया. तो इसमें देखिए क्या फिल करेंगे? एल्डर इसमें यूज़ किया है, तो इसमें क्या फिल करेंगे? ए का साउंड आ रहा है इसमें. इट मीन्स ए वॉवल है. तो वॉवल के पहले हम क्या यूज़ करते हैं? एन यूज़ करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज
लुक एट डैश पिक्चर, देखिए ये किसी चीज़ के लिए पॉइंट कर रहा है, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए पॉइंट कर रहा है, तो इसमें हम क्या फिल करेंगे, द फिल करेंगे, ओके, क्योंकि ये डेफिनेट चीज़ के लिए कर रहा है, निश्चित चीज़ के लिए हमें पॉइंट कर रहा है, ओके. नेक्स्ट इज वेयर इज डैश बुक आई वॉज रीडिंग, किसी एक पर्टिकुलर बुक के लिए यहाँ पे बात हो रही है कि वो जो मैं बुक पढ़ रहा था वो कहाँ पर है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज आई एम थर्स्टी, मे आई हैव डैश ऑफ डैश ग्लास ऑफ वाटर, तो देखिए इसमें ग्लास है, तो देखिए जी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के आगे हम क्या यूज़ करते हैं, ए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए, वैसे ही देखेंगे. चलिए नेक्स्ट में, विच बैग इज़ योर्स डैश रेड बैग इज़ माइन, इसमें देखिए बैग की बात की गई है, उस पर पॉइंट पर्टिकुलर एक बैग की बात की गई है, उस पर ही पॉइंट किया है पर्टिकुलर पॉइंट पर पर्टिकुलर चीज़ पर, तो इस पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, द, ओके. विच बैग इज़ योर्स, द रेड बैग इज माइन, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर दिया है द रेड बैग इज माइन, ओके. नेक्स्ट इज दिस इज डैश डॉग, इसमें क्या लिखेंगे, डॉग डी है, यानी कि इसमें ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे हम क्या फिल करेंगे, ए फिल करेंगे. नाउ डैश डॉग इज ब्लैक एंड ब्राउन, इसमें देखिए डॉग के बारे में अब क्या है, पॉइंट किया गया है, अभी तो पहले नॉर्मली बताया गया था दिस इज अ डॉग, अब क्या बोला गया है, उस डॉग के बारे में बताया गया है, तो मींस उस पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी एनिमल या किसी चीज़ के बारे में बताया गया है, बताया जाता है, तो उसमें क्या फिल करते हैं, किसी पर्टिकुलर थिंग एनिमल या फिर पर्सन या किसी भी चीज़ पे हम पॉइंट करते हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द. नेक्स्ट इज डैश इग्लू इज मेड ऑफ आइस स्लैब्स, देखिए इसमें इग्लू के बारे में बताया गया है, उस पर ही पॉइंट किया गया है, पर्टिकुलर चीज़ है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, द लिखेंगे, द इग्लू इज मेड ऑफ आइस स्लैब्स, ओके. नेक्स्ट इज डैश माउंटेन वॉज डिफ़िकल्ट टू क्लाइंब, देखिए माउंटेन के बारे में बताया गया है कि माउंटेन मतलब उस पर चढ़ना मुश्किल है, तो इसमें क्या फिल करेंगे, द माउंटेन. नेक्स्ट इज देयर इज डैश बास्केट ऑन डैश टेबल, तो इसमें क्या फिल करेंगे, देयर इज अ बास्केट ऑन द टेबल. नेक्स्ट इज वाई डिड यू नॉट ईट डैश केक आई गेव यू, तो देखिए इसमें केक के बारे में बताया गया है, पर्टिकुलर एक केक के बारे में बात हो रही है, तो इसमें हम क्या फिल करेंगे, द फिल करेंगे, ओके स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स आज हमने चैप्टर आर्टिकल्स में की एक्सरसाइज फिल की है, ओके. ये एक्सरसाइज आपको आपकी बुक में फिल करनी है और अच्छे से समझनी है, ओके स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच, स्टे होम स्टे सेफ.